हेलो एंड वेलकम टू यू ऑल। सो डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्या देखने वाले हैं, एक प्रैक्टिकल करेंगे अपन, जिसमें अपन फॉर, व्हाइल एंड डू व्हाइल, ये तीनों तरह के जो लूप्स हैं हमारे, उनका यूज करने वाले हैं, राइट? तो मैंने आपको प्रैक्टिकल में क्या करना है ये तो बता दिया, लेकिन किस सीरीज को प्रिंट करना है, आज हमको सीरीज प्रिंट करना है 1, 2, 3, 4, 5, राइट? जो अपन ने थ्योरी क्लासेस देखी थी उसमें अपन ने ये देखा था कि सीरीज किस तरह से प्रिंट की जाती है, राइट? तो आज हम तीनों लूप्स का एक साथ एक ही फ्रेम पे यूज करेंगे, ओके? तो जैसे आप फ्रेम देख पा रहे हो, मैंने क्या किया है, यहाँ पे मैंने यहाँ पे एक ऑप्शन लिखा है लेबल के अंदर, प्रिंट द सीरीज 1, 2, 3, 4, 5 इन द टेक्स्ट एरिया, यानी कि ये वाला जो मेरा टेक्स्ट एरिया जिसको आप देख पा रहे हो, इसमें मुझे क्या सीरीज प्रिंट करना है, 1, 2, 3, 4, 5, ओके? और ये तीन तरह के लूप्स यूज करने हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे तीन बटन्स प्रोवाइड कर दिए हैं। फर्स्ट मैंने बटन दिया है यूजिंग फॉर लूप, सेकंड बटन दिया है मैंने यूजिंग व्हाइल लूप, और थर्ड बटन दिया मैंने यूजिंग डू व्हाइल लूप, ओके? चलिए अब इसका कोड देख लेते हैं। सबसे पहले व्हाइल लूप, जब अपन व्हाइल लूप के बटन को डबल क्लिक करेंगे तो हमारे पास कोड विंडो आ जाता है, सोर्स विंडो। सोर्स पे देख सकते हो आप मैंने क्या लिखा है, मैंने दिया फॉर इंटीजर आई इज इक्वल टू 1 सेमीकॉलन आई लेस देन इक्वल टू 5 सेमीकॉलन आई प्लस प्लस, राइट? जब मैंने 1 से लेकर 10 तक की सीरीज प्रिंट करना चाहा था तो मैं क्या लिखती थी, आई इज इक्वल टू 1, और आई की वैल्यू कहां तक दे रहे थे अपन, लेस देन इक्वल टू 10 तक। ये अपन ने प्रैक्टिकल से पहले जब अपन ने थ्योरी वीडियो कवर किया था उसमें देखा था, राइट? लेकिन आज जो मेरा सीरीज है उसमें मुझे 5 तक वैल्यूज देना है, तो मैंने क्या कर दिया, आई की वैल्यू क्या दे दी, लेस देन इक्वल टू 5 आई प्लस प्लस, ओके? और जो टेक्स्ट एरिया है उसमें मुझे क्या प्रिंट करवाना है, आई का वैल्यू प्रिंट करवाना है, तो मैंने क्या दे दिया, ये कोट्स प्लस आई। अब ये जो मैंने दिया है, एक स्पेस दिया है सो दैट जो आई की वैल्यू आए वो कैसे आए, 1, 2, 3, 4 एंड 5, इस तरीके से, यानी जितने भी नंबर्स हैं 1 से लेके 5 तक उनके बीच में एक स्पेस आना चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ पे ये स्पेस एड कर दिया, राइट? चलिए इसको रन करके देखते हैं, फाइल पे क्लिक करते हैं, रन पे चले जाते हैं अपन, ये हमारा फ्रेम दिख रहा है आपको। अब सबसे पहला जो अपना बटन है फॉर लूप, इसी की कोडिंग करी अपन ने पहले, तो इसको रन करके देखते हैं। ये देखिए, जैसे ही इस बटन पे अपन ने क्लिक किया तो अपने पास सीरीज आ गई 1, 2, 3, 4, 5, राइट? चलिए नेक्स्ट व्हाइल लूप देख लेते हैं, अपन वापस अपने डिजाइन पे चलते हैं। अब अपन को कोड किसके लिए लिखना है, व्हाइल लूप के लिए, तो मैंने ये व्हाइल वाला जो अपना बटन है इसको डबल क्लिक किया। आप सामने स्क्रीन पे देख सकते हो कोड कैसे लिखा है अपन ने, इंटीजर आई इज इक्वल टू 1, इसमें मैंने आपको बताया था जो व्हाइल लूप होता है इसमें क्या होता है, यहां पर इनिशियलाइजेशन होता है, फिर ये कंडीशन वाला लाइन आ गया अपना, और ये अपना स्टेटमेंट के बाद ये हो गई हमारी इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट वाली लाइन, ओके? तो सबसे पहले सेम सीरीज प्रिंट करना है, राइट? तो मैंने क्या लिखा, इंटीजर आई इज इक्वल टू 1 व्हाइल आई इज लेस देन इक्वल टू 5, जो वैल्यू प्रिंट करवाना है किसको प्रिंट करवाना है, आई को प्रिंट करवाना है, मैंने यहां पे स्पेस नहीं दिया। अब आप देखिएगा क्या डिफरेंस आ रहा है, ओके? एंड आई प्लस प्लस, ये वेरिएबल का इंक्रीमेंट दे दिया यहां पे, ओके? चलिए इसको सेव करते हैं, सेव्ड है मेरा ये, अब इसको रन करते हैं, राइट? नाउ यूजिंग व्हाइल लूप, ये देखिए, जैसे ही मैंने यूजिंग व्हाइल लूप वाले बटन पे क्लिक किया तो मेरे पास क्या आ गई सीरीज 1, 2, 3, 4, 5, लेकिन आपको डिफरेंस दिख रहा होगा, इस बार स्पेस नहीं आया है, क्यों? क्योंकि अपन ने स्पेस नहीं दिया था, ऑलराइट? सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू। अब अपना लास्ट पार्ट है डू व्हाइल लूप, चलिए डू व्हाइल लूप देख लेते हैं। ये देखिए, ये डू व्हाइल वाला बटन है अपना, इस पे जैसे ही अपन डबल क्लिक करेंगे तो ये अपना कोड, राइट? क्या देना है अपन को, इंटीजर आई इज इक्वल टू 1, आई की वैल्यू 1 से स्टार्ट हो रही है, यहां पर पहले स्टेटमेंट आता है डू स्टेटमेंट, ओके? तो डू स्टेटमेंट के अंदर मैंने क्या लिख दिया, टेक्स्ट एरिया डॉट अपेंड ये, ठीक है, आई की वैल्यू, यहां पर भी अपन ने कोई स्पेस नहीं दिया, देन ये हो गया इंक्रीमेंट, और यहां पर कंडीशन आती है लास्ट में, है ना, जो लूप बॉडी एग्जीक्यूट हो जाता है और लूप बॉडी के बाद हमारा कंडीशन आता है, तो कंडीशन में मैंने क्या दे दिया, आई इज लेस देन इक्वल टू 5,
वाइल और डू वाइल में एक छोटा सा डिफरेंस है. डू वाइल का जो वाइल आता है यहाँ पे एक स्टेटमेंट की तरह ही सेमीकोलन आता है, ये चीज याद रखिएगा. ओके चलिए इसको रन करते हैं. ओके नाउ जैसे ही इसको रन करेंगे अपन देख सकते हैं कि इसकी वैल्यूज क्या आ गई हैं, 1 2 3 4 5. ओके तो ये भी सीरीज हमारी इस तरह से प्रिंट हो चुकी है. अब अगर ये सीरीज मुझे वर्टिकल में चाहिए, अभी क्या है मेरी सीरीज हॉरिजॉन्टल में चल रही है, 1 2 3 4 5 है ना. अगर ये सीरीज मुझे ऐसे में चाहिए 1 2 3 4 वर्टिकल में, तो क्या करना पड़ेगा, हर एक नंबर के बाद एक एंटर देना पड़ेगा, राइट. तो उस एंटर के लिए अपन किसका यूज करते हैं, नेक्स्ट लाइन का. और नेक्स्ट लाइन किस तरह से दी जाती है, स्लैश एन के साथ. चलिए देख लेते हैं. ये आए है अपना यहां पे, राइट. इसके साथ अपन क्या करेंगे, एक स्लैश एन दे देंगे. ओके तो क्या हो जाएगा, हर एक नंबर अब जो आएगा वो नेक्स्ट लाइन में आएगा. इसको सेव करके रन करके देखते हैं. ये देखिए, राइट. अब हम देख सकते हैं कि हमारे टेक्स्ट एरिया के अंदर वैल्यूज कैसे आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 वर्टिकली आ रहे हैं. तो पूरी सीरीज वर्टिकली चल रही है, राइट. सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल. नाउ एक और इम्पॉर्टेंट बात जो अपन ने डू वाइल के लिए डिस्कस करी थी, कि ये जो लूप है इसमें एक एग्जीक्यूशन हो जाएगा, राइट. इवन इफ द कंडीशन इज फॉल्स तो भी एक एग्जीक्यूशन होगा, यानी एक बार लूप जरूर चलेगा. ओके तो ये कैसे चलेगा, चलिए देख लेते हैं इसका एग्जाम्पल. ये देखिए कोड में क्या लिखा हुआ है अपना, यही है इंटीजर आई इज इक्वल टू 1. प्रिंट किसको करना है, आई को प्रिंट करना है. अब अपन ये स्लैश एन हटा देते हैं यहां से, ये नहीं चाहिए अपन को. ओके चलिए अब मैंने क्या दिया, मुझे ये सीरीज प्रिंट करनी है 1 से लेके 5 तक, जिसके लिए ये कोड बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है. इनिशियल वैल्यू 1 दे दी, प्रिंट करना है आई को, आई में इंक्रीमेंट होना चाहिए तो आई प्लस प्लस, और वाइल कंडीशन में दे दिया आई इज ग्रेटर लेस देन इक्वल टू 5. ठीक है चलिए अब इस कंडीशन को अपन फॉल्स करते हैं. फॉल्स कैसे करेंगे, अपन ने ग्रेटर देन इक्वल टू 5 दे दिया. ओके तो ये 1 से लेके 5 तक प्रिंट नहीं करना चाहिए, क्यों, क्योंकि 1 is not greater than 5, राइट. तो ऐसे जितने भी नंबर्स आएंगे दे आर नॉट ग्रेटर देन 5. तो अब इसको सेव करते हैं और इसको रन करते हैं. चलिए यूजिंग डू वाइल पे क्लिक करते हैं, ये देखिए 1. ओके इसका मतलब क्या हुआ कि 1 क्या 5 से बड़ा है, नहीं, ये कंडीशन फॉल्स है, लेकिन फिर भी एक बार वो एग्जीक्यूट होगा. ओके क्यों, उसका रीजन ये है कि इसका जो डू स्टेटमेंट आता है, यानी कि उसकी जो 1 की वैल्यू, आई की जो 1 वैल्यू है वो प्रिंट करवाने का जो स्टेटमेंट आ रहा है वो पहले ही आ जाता है बिफोर चेकिंग दिस कंडीशन. ऑलराइट सो आई होप द लूप्स आर क्लियर टू यू. थैंक यू.